Hi everyone, I'm Aditi Srivastava. My NEET 2022 score was 621 and I secured 96.8% in board examination. Siddiqui sir's strategy and my execution helped me clear my NEET in first attempt and also secure the highest in physics for both board examinations and NEET. His teaching method includes making simplified diagrams for our better understanding. With the help of his strategy, I could balance both my board examination and NEET examination. Hello everyone, my name is Ronak Kumar Singh. I scored 695 marks in NEET 2023 and my All India rank was 555. At 12th boards, I scored 97.25%. In specially physics, I scored 99%, which was highest among all the subjects. ऑनेस्टली मैंने अपनी नीट की तैयारी 11 स्टार्ट होने के 8 महीने बाद से शुरू की थी और शुरू में मेरी बेसिक्स भी बहुत ही ज़्यादा वीक थी। वारिस सिद्दीकी सर ने मेरी बेसिक्स शार्प करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। मेरी पूरी प्रिपरेशन के दौरान उनका प्राइम फोकस बेसिक्स ही होता था, चाहे वो NLM पढ़ा रहे हों या फिर लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर्स पढ़ा रहे हों, उन्होंने हमेशा बेसिक को ही प्राइम फोकस रखा। उनके नोट्स, DPPs, वर्कशीट एंड टेस्ट से ही जो है मेरे बेसिक्स इतने इम्प्रूव हुए और मेरी फिजिक्स भी इतनी एडवांस हो गई कि मेरे बोर्ड्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए और मैंने नीट भी बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर किया। शुरू के 3-4 चैप्टर जैसे मैथमेटिकल टूल्स, यूनिट डायमेंशंस और वैक्टर्स, ये जो चैप्टर्स हैं ये फिजिक्स का बेसिक है। ये अगर आपको नहीं आता है तो आपको 11th और 12th दोनों की फिजिक्स में बहुत दिक्कत होगी। जब बच्चा क्लास 10 से क्लास 11th में पहुंचता है तो वो बहुत खुश होता है। अगले 2-3 महीने में उसकी हंसी गायब हो जाती है। उसके पीछे की वजह होती है फिजिक्स, उसे फिजिक्स समझ में नहीं आती और शुरू में जो परेशानी 2-3 महीने की लग रही होती है वो अगले 2 साल तक कंटिन्यूस बनी रहती है। और बच्चे तो परेशान होते ही हैं, उनके माँ बाप भी परेशान होते हैं, उनके पेरेंट्स भी परेशान होते हैं कि बच्चे को फिजिक्स क्यों नहीं समझ में आ रही है। तो बच्चे की इस दुख तकलीफ का जो कारण है वो फिजिक्स है। उस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? उस प्रॉब्लम का सलूशन है मैथमेटिकल टूल, यानी मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे टॉपिक बच्चे को पढ़ने होते हैं जो बिना पढ़े बच्चा अगर फिजिक्स को सॉल्व करेगा तो उसको फिजिक्स समझ में नहीं आएगी और ये बच्चा 2 साल तक परेशान रहेगा। तो वो कौन से टॉपिक हैं जो बच्चे को पढ़ने चाहिए? ये वो टॉपिक हैं जो स्क्रीन पे आ रहे हैं, जो बच्चे को ज़रूर पढ़ने चाहिए।